आज हमारे देश में एक विशिष्ट विचारों की बात बड़े 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 पैमाने पे चल रही है, और इस हालात में ऐसा नज़र आता है कि कोई एक ऐतिहासिक सत्य है जिसे महत्व नहीं दिया जा रहा, और वो दुर्लक्षित जो विषय है वो बुद्धगया का महाबोधि महाविहार है, जिसमें भगवान बुद्ध ने पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं, सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धत्व प्राप्त किया था, और वहाँ से उस सारी दुनिया में चरत भिक्खवे चारिकं भोजन हिताय भोजन सुखाय वाला जो संदेश था वो उन्होंने सारनाथ में दिया था। वो बुद्धगया का मंदिर जो सम्राट अशोक ने बनाया था, जिस मंदिर को और जिस विषय को जब हम बात करते हैं तो ऐतिहासिक उसके सबूत मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं। बर्मा के राजा ने वहाँ वो दुरुस्ती के लिए बहुत खर्चा किया था, पैसा खर्चा किया था। श्रीलंका के लोगों ने भी वहाँ बहुत ही योगदान दिया था। तिब्बत के लोग वहाँ चल के आते थे और वहाँ जाकर ज़मीन पे भगवान बुद्ध का साष्टांग दंडवत करते थे। ऐसा पवित्र स्थल जहाँ से भगवान बुद्ध ने सारे दुनिया को मानवता को समता का, बंधुता का और शांति का संदेश दिया, वो बुद्धगया का मंदिर हजारों साल तक ऐसे लोगों के हाथों में रहा कि जिन लोगों ने इस विषय में, इस धर्म के बारे में किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं दिखाई। और सवाल यहाँ तक के आया कि अनागारिक धम्मपाल जो श्रीलंका के महान पुत्र थे, उन अनागारिक धम्मपाल भारत में मैडम ब्लेवस्की के साथ आए, कर्नल ऑलकॉट के साथ आए, और वहाँ भगवान बुद्ध के उन्होंने चरणों पे जब वंदना अर्पण की तो उनके दिलो दिमाग में विषय आया कि मैं ये बुद्ध गया का मंदिर है जो दुर्लक्षित है, खंडहर बन गया है, टूट फूट गया है, कोई इसकी व्यवस्था नहीं है, तो इसके उद्धार के लिए मैं पूरी अपनी जीवनी लगा दूंगा, पूरी जान लगा दूंगा। और इन्होंने वहाँ 1891 में जब वो श्रीलंका में वापस गए बुद्ध गया के दर्शन के बाद, तो वहाँ उन्होंने महाबोधि सोसाइटी बनाई और उसके द्वारा भारत में आकर ये बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार के मुक्ति का आंदोलन चलाया। और वो आंदोलन इतना चला कि एडविन अर्नोल्ड नाम का जो लाइट ऑफ एशिया का लेखक है, उसने जो किताब लिखी उससे सारे दुनिया को मालूम हुआ कि तथागत बुद्ध कितने महान थे और कितने मानवता के बड़े महान पुजारी थे। और उन्होंने श्रीलंका के गवर्नर को लिखा कि ये बुद्ध गया का मंदिर बौद्धों के कब्जे में होना चाहिए। इतना ही नहीं, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब श्रीलंका में गए हैं तो राहुल सांकृत्यायन को कहते हैं बुद्ध गया के अब जो शाखा वहाँ लगी है अनुराधपुर में वहाँ मोदी वृक्ष बना है बहुत बड़ा, जो कभी टूटा नहीं, कभी जलाया नहीं गया। वहाँ जब घूम रहे हैं तो देखते हैं कि वो विहार के जो बोधि महाबोधि का जो वृक्ष है, वो वृक्ष के नीचे वो खम्भे लगाए हैं तो वो सोने के लगे हैं, ताकि वो पेड़ की जो टहनियाँ हैं बड़ी बड़ी वो नीचे ना गिरे। तब कहते राहुल जी, हम हमारे देश में भगवान बुद्ध के बुद्ध गया की क्या कदर कर रहे हैं? हमको लगता है कि हम बुद्ध गया का मंदिर बौद्धों के कब्जे में न देकर हिंदुओं के कब्जे में रखते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो राहुल जी कहते हैं, तो मैं राजेंद्र प्रसाद साहब को कहते हैं, इसलिए तो हम कहते हैं कि बौद्धों के कब्जे में वो होना चाहिए। भदंतानंद कौशल्यायन, इन्होंने महात्मा गांधी को कहा, बापू आपने कहा था कि भारत को आज़ाद हो जाने दो, कलम के एक फटकार से बुद्ध गया के मंदिर को हम बौद्ध के तब कब्जे में दे देंगे। बापू अभी भारत आज़ाद है लेकिन बुद्ध गया का मंदिर आज़ाद नहीं है। पंते जी कहते हैं कि बापू ने सुन लिया, कुछ नहीं बोले और चलने लगे। यही बात बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के बाद जितने भी लोग थे, चाहे वो धर्मानंद कोसम भी रहे,
चाहे वो महापंडित राहुल संकुचन रहे, चाहे वो भदंतानंद कौशल्यान रहे, चाहे वो अली इधर के समय के भदंत सूरई ससाई रहे, भंते सदानंद जी है, और उनके साथ जो भिक्षु संघ है वो तमाम बौद्ध संघ ने हमेशा इस बात की कोशिश की कि बुद्ध गया का मंदिर बौद्धों के कब्जे में होना चाहिए। और इसलिए भंते सुरेश ससाई ने 4-5 बार उधर जाके आंदोलन किया। आज हम देखते हैं कि कहीं कहीं जहाँ भगवान बुद्ध के अवशेष है उस जगह पे मस्जिद बनाई गई थी, वहाँ मंदिर बनाया गया था, और वहाँ अभी फिर से मस्जिद तोड़ के मंदिर बन गया है, बना रहा है, बनाया जा रहा है। हम ये कहते हैं कि अगर श्री रामचंद्र प्रभु का मंदिर बनाया जाने की कोशिश की जाती है तो हमारी कम से कम ये मांग है, कम से कम ये हमारी प्रबल आकांक्षा है, हमारी हमारे अधिकार की हमारी न्यायिक मांग है कि बुद्धगया का मंदिर आज भी बौद्धों के कब्जे में नहीं है। वहाँ 4 बौद्ध हैं मेंबर, 4 हिंदू है, और 9वां आदमी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। अगर वो मुस्लिम है, अगर वो क्रिश्चियन है, तो 9वां आदमी जो रखा जाता है अध्यक्ष के तौर पर तो वो हिंदू होता है। इसका मतलब 9 में से 5 लोग हिंदू है और 4 लोग बौद्ध है। ये सारे दुनिया के बौद्धों का जो काबा है, काशी है, मक्का है, मदीना है, दुनिया में कोई चर्च गैर क्रिश्चियनों के कब्जे में नहीं है, दुनिया में कोई मस्जिद गैर मुसलमानों के कब्जे में नहीं है, दुनिया का कोई गुरुद्वारा गैर सिखों के कब्जे में नहीं है, और दुनिया का कोई मंदिर गैर हिंदुओं के कब्जे में नहीं है। तो ये क्या कारण है कि सारे दुनिया का बौद्धों का काबा है, काशी है, मक्का है, मदीना के तौर पे पवित्र माना जाता है, जेरूसलम की तरह पवित्र माना जाता है, वो बुद्ध गया के महाविहार को बौद्धों के कब्जे में ना दिया जाए। और इसलिए हम ये मांग करते हैं कि जहाँ अंग्रेज के ज़माने में न्यायाधीश मैकफर्सन ने इस बात का वादा किया और बताया कि ये प्योरली बौद्धों का मंदिर है और इसमें बौद्धों को ही अधिकार होना चाहिए, इस तरह से हमारे जो नोबेल पारितोषिक के विजेता जो है, नोबेल लॉरेट जिसे कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि हिंदू भाइयों ने जो अपने धर्म में विश्वास करते हैं उनका ये फर्ज बन जाता है कि वो अपने बौद्ध भाइयों को अपने बुद्ध गया के महाविहार को सौंप दें। इस तरह से महात्मा गांधी जी हो, चाहे राजेंद्र प्रसाद जी हो, चाहे वो अपने ये रविन्द्रनाथ टैगोर हो, महापंडित राहुल संकृत्यायन हो, धम्मानंद कौशंबी हो, और ये सारे जो बौद्ध जगत है अनागारिक धम्मपाल जी से लेकर, तो सब इन तमाम लोगों ने बौद्ध गया के मंदिर की मुक्ति की बात कही है। और ये बात कहने के लिए लोगों के सामने जो हिंदू भाई है, जो मुस्लिम भाई है, जो क्रिश्चियन भाई है, जो सिख भाई है, जो तमाम लोगों के धर्मों के लोग हैं, उनकी नज़र में ये बात लाना चाहते हैं कि आप तमाम लोगों के जो मक्का मदीना है, काशी है, काबा है, आपके जो बनारस है, आपके जो हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, वो सारे के सारे मुक्त है, और भारत में केवल भगवान बुद्ध का जो मंदिर है वो बौद्धों के कब्जे में नहीं है, उससे आप अलग हो जाके बौद्धों के कब्जे में दें तो आपका जो सर्वधर्म सहिष्णुता की बात है आप करते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सारे देश को सारे धर्मों के लोगों का देश कहते हैं, इस बात पे लोगों का विश्वास बैठेगा। और आप ये आपका आंदोलन करने के पहले, हुंकार का आंदोलन करने के पहले हमारे बौद्धों का जो बुद्ध विहार है वो बौद्धों के कब्जे में देने के लिए बिहार सरकार ने और केंद्र सरकार ने और बाकी जो संबंधित लोग हैं उनका ये फर्ज बन जाता है कि उन्होंने ये बुद्ध गया का मंदिर मुक्त कर देना चाहिए। इसके लिए हम ये लोगों के सामने बात लाना चाहते हैं और अपेक्षा करते हैं कि सभी धर्म के लोग हमारे इस मांग को ज़रूर समर्थन देंगे और हमारा धन्यवाद के पात्र बनेंगे। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत।